डे थ्री प्रैक्टिस हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मोक्ष मुसाफिर और बना रहा हूं अपनी डायरीज। गजरथ तू रे दास अरुदासी, गजरथ तू रे दास अरुदासी। हाथी दिए पंजाब की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, बता सकते हैं आप? ये चार वर्ष की देवी है, she's only 4 years old। इंग्लैंड या अमेरिका की नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि दिमाग तो इंग्लैंड अमेरिका वालों में है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जिनके पूर्वजों ने गौ की सेवा की है, जिनके पूर्वजों ने गौ को अपनाया है, जिनके माता पिता ने दिव्य पदार्थों को भगवान का प्रसाद समझ के पाया है और जिनके हृदय में गौ माता की विद्यावान तुम्हें चातुर राम काज करने को आदि, प्रभु चरित सुन वे को नसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रूप धरि रंग जलावा, विकट रूप धरि सिया दिखावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। क्या बात है गाइस, ये है रौनक और ये है तपस्या। बिग हाई फ्रॉम देम, टैलेंटेड किड्स। एंड ये देहरादून के ही है बराबर, बेसिकली राजस्थान से, लेकिन अभी स्कूल, ओके, लिविंग इन देहरादून। क्या बात है, ऑसम किड्स, बहुत अच्छा लगा मिलके, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी हमें जाने की आज्ञा नहीं दे रही है अभी भी। बेसिकली मुझे डोडीताल जाना है और वो मतलब उसके दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भागीरथी स्कूल, जहाँ पे मैं बच्चों को डांस सिखा रहा हूँ। दिस इज़ थर्ड डे, तीसरा दिन है मेरा वहाँ पर। और बच्चे सही में टैलेंटेड होते हैं, कहीं पर भी जाओ टैलेंट तो टैलेंट है, लेकिन यहाँ के बच्चे भी अपना जो मतलब हमारा महाराष्ट्र का फोक डांस है वो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। वेरी गुड। बिफोर दैट वन मोर टाइम, गर्ल्स डू योर पार्ट, बॉयज मैं आपके साथ करता हूँ। रेडी, फाइव सिक्स सेवन, गर्ल्स डू योर पार्ट, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट। ऐसे क्लाइमेट चेंज होते रहता है उत्तरकाशी में। तो देखी सुध भी पर हर के पारस पास बड़ा जिनके,
फिर खजाना भर के क्या कर। हाँ मुझे पता है अब थरकरंट कुछ है। सो गाइस बिफोर यू स्टार्ट लिसनिंग टू हिज भजन्स, मुझे एक बात शेयर करनी है। इनको मामूली महाराज या मामूली साधु समझने की भूल नहीं करना। ये बहुत बड़े सिंगरों की दुकान बंद कर दे बॉलीवुड में अगर इन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी। ही इज रियल रॉक स्टार, आगे आपको पता चल जाएगा। हम लोग अभी हनुमान चौक पे है और हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि जो भारत जी है जिन्होंने हमें ऊपर रुकाया था अगोड़ा में, उनका वेट कर रहे हैं। उनके लिए कुछ हमने सरप्राइज़ लिया है, तो देखते हैं हम लोग उनकी वेट करते हैं, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस ये आ गए भरत जी जिन्होंने हमें रुकाया था अगोड़ा में, उनके लिए कुछ छोटा सा ये ले लो, खोल के देखिए। ठीक है, किसके हम रहे हैं? ये यहीं पे बाजू में, कोई बात नहीं, खोल के तो देखो। खोलेंगे नहीं? खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बना रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा बना रखा है, अच्छा बना रखा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया है। ये तो कुछ नहीं है, छोले भटूरे लगा दो यार, आज खाएंगे छोले भटूरे। अंकल जी भी आए हुए हैं, ये तो ये उत्तरकाशी के छोले भटूरे। गाइस सो जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा जैसे मैं ट्रैवल करते रहता हूँ तो मुझे अलग अलग
दोस्त मिलते रहते हैं. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट टू मीट डॉक्टर शिवांगी शर्मा. यस हाय डॉक्टर. हेलो. आप थोड़ा बताएंगे आपने क्या किया और ओके तो मैंने मेरा नाम डॉक्टर शिवांगी शर्मा है और मैंने वेदों में गौवंश और आज के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है. ओह क्या बात है. तो हमें गौवंश से मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि गाय की पूरी फैमिली आ जाती है उसमें, है ना. Absolutely. तो एक श्लोक एक मंत्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी गाय की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शास्त्रों में. अंधस्थांदो वो भक्षीय महस्त महो वो भक्षीय ऊर्जस्थोर्ज वो भक्षीयो रायस पोषस्त रायस पोषम वो भक्षीय. इसका अर्थ है कि गाय अंधस्त अर्थात अन्य रूपा है, ठीक है, महस्त अर्थात पूजनीय है तथा रायस पोषस्त अर्थात समृद्धि रूपा है. तो आज के समय में भी यदि हम देखें तो गाय इन तीनों फॉर्म्स में हमारे सामने आज भी अवेलेबल है. तो हम सभी से ये निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आइए गाय को इन तीनों रूपों में बनाए रखने का, उसको और उसके वंश को और बढ़ाने का. जरूर जरूर. स्पेशली इन सिटीज हमें ये जानना बहुत जरूर है कि गौ माता का कितना महत्व है. गाँवों में या फिर आप बाहर के स्टेट में आओगे ना तो ये ऑलरेडी यहाँ के जो लोग हैं ये सब फॉलो करते हैं, लेकिन सिटीज में इनका महत्व थोड़ा कम होता जा रहा है. सो इनफैक्ट डॉक्टर का भी यूट्यूब चैनल है. चैनल का नाम, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम डॉक्टर शिवांगी शर्मा. अगर आप सर्च करेंगे तो एक उड़ती हुई गाय आएगी. उस उड़ती हुई गाय का मतलब है कामधेनु. प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा. और एक और बात, इसमें हम लोग गौवंश के महत्व के साथ साथ बच्चों को संस्कृत भी सिखाते हैं. क्या बात. तो उसमें बच्चों को संस्कृत के श्लोक जिससे उनका उच्चारण सुधरे, तो इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है. आप सभी से निवेदन है कि भैया के चैनल को जो देखते हैं फॉलो करते हैं वो एक बार हमारे चैनल पर भी डेफिनेटली डेफिनेटली. ये बहुत ज्यादा धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू सो मच गाइस. डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. बाय. नमस्कार मित्रांनो. दोस्तों यहाँ पे लोग मतलब जब आप दूर आते हो और आपको वही मतलब अपने स्टेट का मिलता है तो कितना अच्छा लगता है. ये देखो. नमस्कार. कुठून आपण? जळगाव. जळगाव. जळगाववरनं आलेली आहे फॅमिली, खूप मोठी फॅमिली आहे. काल माझी भेट झाली इकडे. आपलं नाव काय? सुरेश टंडन. अच्छा नमस्कार. कसं वाटतं इकडे येऊन? खूप छान वाटतंय ना. क्लायमेट एकदम एक नंबर आहे. जबरदस्त. गंगेचं दर्शन झालं. नमस्कार. नमामि गंगे हर हर गंगे. मौसम ऑलरेडी इतना ठंडा है लेकिन अभी हमें जाना है. गंगा मैया जी बुला रहे हैं डुबकी मारने के लिए. नमामि गंगे हर हर गंगे. हाँ हाँ हाँ. चलो चलो ये भी अनुभव ले लेते हैं. हाँ जरूर. जय गंगा मैया. अंकल जी के वजह से अभी मुझे भी मौका मिल रहा है. वैसे इच्छा तो थी लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से. अभी अंकल जी ने फिर से बुलाया तो मना नहीं कर पाया. चलो अभी हम जाते हैं, थोड़ा सा डुबकी लगाते हैं. जय गंगा मैया की. भाई साहब आपका नाम क्या है? योगेश. योगेश पवार. भाई साहब योगेश जी महाराष्ट्र से आज उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ भगवान के यहाँ गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं. बहुत आनंद आएगा. बहुत आनंद है. जय गंगा मैया की. वाह आनंद आ गया. आनंद आ गया. वाह मैया. वाह मैया. आनंद आ गया. वाह वाह. हर हर गंगे. हर हर गंगे. हर हर गंगे. हर हर गंगे. वाह साहब. वाह वाह. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. अब कुछ नहीं होगा. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो अभी हम लोग जो अवधूत आश्रम में रुके थे वहाँ से बस निकल गई तो हम चल के आ रहे हैं अंकल जी के साथ में. नमस्ते. ऐसे क्या शूट कर रहे हैं? हाँ अंकल जी वैसे राजस्थान से अजमेर बराबर. तो ये तो साथ में मिल गए इसलिए मज़ा आ गया. चलते चलते आ गए हम लोग. तो गाइस ये सब गायें हैं यहाँ की और वो जो ऊपर श्री धेनु महल लिखा है वो गौशाला है. उनका पूरा डेडिकेटेड हॉल है. मैं वहाँ पे भी विजिट कराऊँगा. और ये कुछ मतलब गायें हैं. हाँ ये अंकल जी राजस्थान से ये बताएंगे आपको. ये राजस्थान की गिर गाय है. अच्छा ये जो है सफेद. हाँ, 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 लाल वाली. लाल वाली. अच्छा गिर गाय बोलते हैं. गाय बोलते हैं. अच्छा देसी रिंडी गिर गाय. देसी रिंडी गाय. अच्छा बोल. अच्छा तो आप यही पे मतलब यही पे रहते हैं? नहीं हम आए हुए हैं सेवा के लिए. अच्छा सेवा के लिए. गौ माता की सेवा के लिए आए. गौ माता की सेवा के लिए. क्या बात है. सबसे बड़ी सेवा गौ माता की सेवा. जो भी दान दर्शन आती है गौ माता के लिए ही आती है.
बराबर, और खर्च यही होता है बराबर। ये जो भंडारा चल रहा है ना, ये गुरुदेव के नाम पे चल रहा है, गौ माता के नाम पे चल रहा है जो, यहाँ कोई भी आओ भोजन जी में कोई मना ही नहीं। ये अभी नया बना, अच्छा ये पूरा है नहीं, ये अभी नया बना, नया पूरा ही, अच्छा ठीक है, पहले पहले तो जरा सा था, ओके ये भी नया बना, ये पूरा ही। तो अभी महाराज जी कितने दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं? 12 साल हो गई। अच्छा 12 साल से? 12 साल हो गए। अच्छा 12 साल अच्छा, पैदल चलना। तो उसमें उनका मेन हेतु क्या है? मेन यही है कि गौ माता के प्रति गौ बचाओ प्रचार करते हैं। गौ बचाओ, गौ माता, अच्छा गौ माता के कितने फायदे है? बराबर। जहाँ पे भाई लोग जहाँ पे साइंस फैले ना, वहाँ पे गौ माता काम आती है। मतलब बहुत सारे फायदे है गौ माता, गौ माता के गोबर के, गौमूत्र के, तो वो जैसे मतलब हमारे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक कर देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अभी तक जिसके जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, तो गौ माता के पास उसका जवाब है। गाइस मजे की बात बताऊं, इसके दूसरे दिन मैंने गोबर स्नान किया था गंगा जी में डुबकी लगाते हुए, और बहुत ही बड़ा आनंद आया था। पूरी वीडियो देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, मोक्ष मुसाफिर डायरीज। कितने अच्छे से रखा है गौ माता को, ये देखो कितनी बड़ी हॉल, डेडिकेटेड टू काउज ओनली, गौ माता जय गौ माता। महाराज की ये है तुलादान, जिसमें आप अपनी वजन के बराबर अनाज या फिर गौ माता के लिए कोई भी चीज दान कर सकते हो। गौ माता की आज के आनंद की जय हो, श्री राधे। फिर से माँ कुटीडी देवी मंदिर आ गए हम लोग, माता ने माता का बुलावा है। वैसे नवरात्रि भी है तो, और हमें ये वैसे हमारा घर था 3 दिन के लिए, और बहुत माँ ने अच्छे से ख्याल रखा था हमारा। सो गाइस बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन देख लो, जब हम लोग रुके थे तो यहाँ पे इतनी रश तो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, दिन में एक दो बार कोई आ जाता, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ये देखो कई सारे पंडित जी भी है, महाराज भी है, और इतनी सारी रश है देख लो। जय माँ को कहती वहाँ से आ रहे हैं अभी हम लोग कुटेड़ी माता से, देख लो गाइस जीवन का आखिरी सत्य। वैसे आपको मालूम है हम लोग जब जन्म लेते हैं तो अपना लगभग वेट होता है 2.5 kg के आसपास वेट होता है, और आप जब आपका जब मृत्यु होता है और आपका विधि होने के बाद जलाकर जो राख बचती है उसको अगर इकट्ठा करें तो वो भी लगभग 2.5 kg होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने लाया था साथ में वही लेके जा रहे हैं। हेलो, तो भाई साहब ये आ रखी है अभी फिर से ट्रैकर्स वाली फीलिंग, बिकॉज अपना सामान थोड़ा सा बैग वगैरह वो जो कुटेटी माता मंदिर है ना वहाँ पे रखा था मैंने, तो अभी फिर से मेरे पास आ गया है। थैंक्स टू पंडित जी जिन्होंने सामान रखवाया। आदिवर संपूज्या दक्षिणां शिरस्तम मालमय दौर्य दौजदः समय हदय दौरव भयंगरो सन्नह कृपया देवयन्नः मजुभ्यः हरिदा दरिदास्तम वादिदेवता वयन्नामः नमः भामिनं नटुग्रमेदि धायदेवनम्मा करुणामनां विद्रेवाः।
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी नंदन राम काज करि को आतु प्रभु चरित सुनि को अनुरा राम रति सीता पुनि सिया को दरि सी डे 3 प्रैक्टिस से पार्टनर से नजदीक रहो वेरी गुड अदर साइड